राजधानी में शहर के मुख्य मार्गों पर अभी तक रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने 13 जून को शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी। राजस्थान बजरी ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ कई ट्रांसपोर्ट संगठनों ने इसका विरोध किया। अध्यक्ष नवीन शर्मा के नेतृत्व में ट्रांसपोर्टर्स का प्रतिनिधिमंडल ADSP अजयपाल लांबा से मिला। उन्होंने बताया कि शहर में रात को भी ट्रकों का प्रवेश नहीं होने से निर्माण सामग्री की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे सभी निर्माण कार्य ठप्प हो जाएंगे। मामले की गंभीरता को समझते हुए ADCP लांबा ने निर्माण सामग्री के भारी वाहनों को 7 दिन के लिए रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रवेश की अनुमति दे दी है। 7 दिन में समीक्षा के बाद प्रशासन आगे के लिए निर्णय लेगा। इस मामले में हमारे संवाददाता BK शर्मा ने खास बात की बजरी ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष नवीन शर्मा से। प्रशासन ने राजधानी जयपुर में मुख्य मार्गों में 24 घंटे भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। इसके कारण यहाँ उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए अलग अलग सेक्टर के लोग काफ़ी प्रभावित हुए और कई सामान जो कच्चा सामान है, निर्माण सामग्री और दूसरी कई तरह की सामग्री शहर में आना प्रतिबंधित हो गया और इससे इनके व्यापार को काफ़ी प्रभावित भी होना पड़ा है। और इस आज यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पुलिस अधिकारियों से मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है और उस बातचीत के क्या परिणाम रहे इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी यहाँ पर जो बजरी ट्रांसपोर्ट यूनियन है उसके अध्यक्ष नवीन शर्मा, इनसे नवीन जी क्या बातचीत हुई? हमारी मिस्टर लांबा जी थे, राहुल प्रकाश जी भी थे, दोनों मौजूद थे। उनके सामने हमारी सारी जटिलताएं उनके सामने रखी कि भाई प्रैक्टिकल नहीं है कि सारी गाड़ियों का रोज़ परमिशन लेकर के नए नए डंपिंग पॉइंट्स पे रोज़ परमिशन ग्रांट करवा करके निर्माण सामग्रियां सप्लाई की जा सकती हो। वो सारी समस्याओं को उन्होंने कंसिडर किया, समझे हैं कुछ उनकी भी कुछ समस्याएं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे हमें कोई पास की व्यवस्था हम ऑनलाइन कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, जो भी उन्होंने बताया। उसके बाद फाइनली ये रहा कि अभी 7 दिन तक तो जो पुरानी व्यवस्था है वो लागू कर दी है वापस, कोई रात्रिकालीन अब निर्माण सामग्री की गाड़ियों को नहीं रोकेगा। अगले मंडे को लांबा साहब ने फरमाया है जैसे कि अगले मंडे को फिर एक मीटिंग कॉल करेंगे, उसमें हमें भी बुलाएंगे, फिर को डिस्कस करेंगे, फिर आगे क्या व्यवस्था रहती है अगले मंडे को बताएंगे। फिलहाल इन्होंने 7 दिन के लिए फिलहाल इसको सस्पेंड कर दिया जो ऑर्डर इन्होंने किया। जो दूसरे ट्रेड और व्यापारी उनकी भी बैठक चल रही है? उनकी बैठक चल रही है, उन्होंने भी अपनी जटिलताएं सारी बता रहे हैं, वो समस्याएं उनके साथ डिस्कस हो रही है। पहले हमारे साथ उन्होंने डिस्कस किया, हमारे को शॉर्ट आउट होने के बाद हम आ गए हैं, अब अंदर उनकी मीटिंग चल रही है, देखो उनका क्या रहता है। तो ये नवीन शर्मा, फिलहाल जो निर्माण सामग्री है उसके ट्रांसपोर्ट की पाबंदी शहर में हटा ली गई है जैसा कि इन्होंने सूचना दी है। दूसरे ट्रेड के दूसरे व्यापारी भी अब पुलिस प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको भी ये रियायत मिले ताकि उनका व्यापार, उनका ट्रेड भी आगे चलता रहे। कैमरामैन विजय गिरी के साथ BK शर्मा, A1 TV जयपुर।